हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सारे? कैसे आ रहे? तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हेडफोन के माइक से आप लोग कैसे अच्छी खासी साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों, अभी जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है मेरे हेडफोन के माइक से हो रहा है, मतलब ईयरफोन के माइक से हो रहा है। अभी आप देख सकते हो, ये जो ईयरफोन है मेरे फोन से कनेक्टेड है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं जैसे ही रस्सी खींच रहा हूँ फोन भी हिल रहा है। मतलब दोस्तों, अभी मैं अपने ईयरफोन के माइक से ही साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी आप लोग दोस्तों सुन पा रहे होंगे। यहाँ पर ईयरफोन के माइक से रिकॉर्ड होने के बावजूद भी मेरे साउंड में कोई भी नॉइस नहीं होगा। तो यहां पर दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग ईयरफोन के माइक से ही नॉइस कैंसिलेशन कर सकते हो, कैसे आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो जिससे आपके साउंड में कोई भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगा। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप लोग स्किप करके देखोगे और आपसे कोई भी पॉइंट मिस हो जाएगा और आपके फोन में दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन नहीं होगा, तो आप लोग मुझे बाद में मत कहना। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ये जो तरीका है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन में ही काम करेगा। अगर आप लोग इस तरीके से लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर में साउंड रिकॉर्डिंग करते हो, तो उस कंडीशन में शायद ये तरीका काम ना करे। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो तरीका है कुछ स्मार्टफोन्स में काम नहीं करता है। दोस्तों, मैंने सावमी के स्मार्टफोन यूज किए थे, जैसे कि दोस्तों सावमी का हो गया, रेडमी और पोको, तो इन स्मार्टफोन के अंदर में भी ये तरीका काम नहीं करता है। और क्यों काम नहीं करता है ये तो मेरे को मालूम नहीं है। बाकी दोस्तों, अगर आपके पास में ओप्पो या फिर वीवो का फोन है, तो आपके फोन में दोस्तों ये तरीका जरूर काम करने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मेरे पास में भी वीवो का फोन है, वीवो का Z1 Pro मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसी फोन से अभी जो है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और अभी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं ईयरफोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी कोई भी नॉइस नहीं आ रहा होगा, बैकग्राउंड नॉइस कोई भी नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, कैसे आप लोगों को रिकॉर्डिंग करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, एक वीडियो मैंने पहले और बनाया था बोया के BY-M1 माइक के ऊपर में। तो दोस्तों, सेम तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उस वीडियो में जो मैंने आपको तरीका बताया था, सेम वही तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस यहाँ पर मैं हेडफोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस वाले वीडियो में मैंने बोया के माइक का इस्तेमाल किया हुआ था। तो दोस्तों, नॉइस कैंसिलेशन जो होता है वो आपका ईयरफोन या फिर आपका माइक नहीं करता है, बल्कि आपका जो फोन होता है वो आपका नॉइस कैंसिलेशन करता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन सा फोन है और आपके फोन में दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन होता है या फिर नहीं होता है, ये आपके फोन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दोस्तों, मेरे पास में वीवो का Z1 Pro है और इसी से अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो कैसे आप लोगों को रिकॉर्डिंग करना है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठते हो, तो आपको सबसे पहले दोस्तों अपने रूम में एक अच्छा खासा पंखा चालू कर लेना है, या फिर दोस्तों अगर आपके आपके पास में कूलर का पंखा है, कूलर पंखा है, तो दोस्तों आप लोग कूलर पंखे को भी चालू कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कूलर पंखे का आवाज़ कितना ज़्यादा होता है। क्योंकि दोस्तों, कूलर पंखा इसलिए चालू करना है क्योंकि दोस्तों कूलर पंखे का जो आवाज़ होता है वो सिमिलर साउंड होता है। मतलब कूलर पंखा तो आपको अलग अलग तरह का साउंड नहीं देता है, कभी हार्न बजाने का साउंड, कभी बात करने का साउंड, ऐसा तो साउंड नहीं आता है कूलर पंखे का ना। यहाँ पर दोस्तों, जो कूलर पंखे का नॉइस होता है वो बिल्कुल सेम फ्रिक्वेंसी का होता है, एकदम सेम टू सेम साउंड होता है। इसलिए दोस्तों, वो वाला साउंड जो होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग कूलर पंखा आपके पास में है, तो आप लोग कूलर पंखे को चालू कर देना। दोस्तों, इसलिए कि चालू करना है क्योंकि दोस्तों आपके घर में दोस्तों काफ़ी सारे मतलब बाहर में अलग अलग तरह के नॉइसेस होती हैं। मतलब घर वाले लोग बात करते रहते हैं, या फिर दोस्तों घर में कुछ काम चलते रहता है, या फिर कोई लोग TV देखते रहते हैं, तो उसका जो साउंड होता है वो अलग अलग तरह का नॉइस होता है। तो वाला जो साउंड होता है वो आपका जो फोन है वो रिमूव नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्तों, आपको कूलर पंखे का इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग कूलर पंखे को चालू कर दोगे अपने रूम में, या फिर दोस्तों अगर आपका आपके पास में बड़ा वाला कूलर पंखा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, तो आप उसके अपने रूम के बाहर दरवाजे के पास भी चालू कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग कूलर पंखे को चालू करोगे, तो वहां पर दोस्तों जो कूलर पंखे का साउंड होगा उसके सामने जो बाहर की नॉइस होगी वो सारी की सारी नॉइस दब जाएगी और आपके मतलब आपके माइक के पास में जो बाहर की नॉइस है वो नहीं आ पाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपका जो कूलर पंखे का नॉइस होगा वो आपके माइक में आएगा और आपका जो आवाज है वो आपके माइक में रिकॉर्ड होगा। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, आपका जो कूलर का पंखे का नॉइस होगा वो इजिली यहां पर रिमूव हो जाएगा अगर आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करोगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, आपको अपने रूम में या फिर रूम के बाहर दरवाजे के पास कूलर पंखा को चालू कर लेना है। जैसे ही आप लोग कूलर पंखा चालू करोगे, उसके बाद आपको अपना वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। क्योंकि दोस्तों, कूलर पंखा चालू करना क्यों है, क्योंकि जो बाहर की नॉइस होती है वो कूलर के पंखे के आवाज के सामने दब जाएगी और आपके माइक में सिर्फ कूलर पंखे का नॉइस आएगा और आपका जो साउंड है वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद आपको यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना है कूलर पंखा चालू करने के बाद। और दोस्तों, यहां पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर दोस्तों, आप लोग जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, तो आपको अपने वीडियो को छोटी छोटी क्लिप में, मतलब 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में, ऐसे में आप लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं करना है। मतलब आपने 40 सेकंड अपना टॉपिक के बारे में बोला, उसके बाद आप लोग वीडियो को कट कर दोगे, उतना में वैसे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। और ना ही आप लोगों को दोस्तों, आप लोग जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, तो आपको अपने वीडियो में पॉज भी नहीं करना है। मतलब आप लोग पॉज भी कर देते हो ना, तो आपको पॉज भी यहां पर नहीं करना है। आपको दोस्तों, आपका जो वीडियो है पूरा का पूरा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक रिकॉर्ड करना है। मतलब आपका जब 10 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक रिकॉर्ड करना है, पूरा 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि दोस्तों, आप लोग जब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो, तो यहां पर आपका जो शुरू का 1 मिनट होता है, वहां पर आपका जो माइक
माइक होता है वहाँ पर आपका साउंड के साथ साथ आपका जो पंखे का नॉइस होता है, जो कूलर पंखे का नॉइस होता है, वो भी रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर एक मिनट तक दोस्तों आपके वॉइस के साथ में आपका नॉइस भी रिकॉर्ड होता है। और जैसे ही दोस्तों एक मिनट से पार होता है, एक मिनट 10 सेकेंड 15 सेकेंड होता है, उसके बाद जो आपका बैकग्राउंड नॉइस होता है वो आपका रिमूव मतलब रिकॉर्ड होना बंद हो जाता है। उसके बाद आपका जो साउंड होता है वही सिर्फ रिकॉर्ड होने लगता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इस तरीके को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी भूलना मत। आपको यहाँ पर छोटी छोटी क्लिप में वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना है, नहीं आप लोग जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपको वीडियो में पॉज करना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसका लाइव प्रूफ भी दे देता हूँ। मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जहाँ पर मैं आपको टाइमिंग भी डाल दूंगा, आप लोग टाइमिंग को देखते रहना। जैसे जैसे जो टाइमिंग है एक मिनट से पार होगा, जो नॉइस होगा वो रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखते रहना। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी आप देखते रहना। यहाँ पर एक मिनट के बाद दोस्तों जो नॉइस रिमूव हो जाएगा, अभी आप लोगों को नॉइस सुनाई दे रहा होगा मेरे साउंड के साथ साथ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक मिनट से जैसे ये मतलब ये टाइम लाइन है ये पार होगा, मतलब ये जो वीडियो है एक मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर नॉइस जो है रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखते रहना। अभी दोस्तों मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की है, तो मेरे को पता नहीं है मेरे को यहाँ पर क्या बोलना है, बस मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनते रहना। अभी 25 सेकंड हो चुके हैं, मतलब अभी आप देखना यहाँ पर एक मिनट से ज़्यादा होंगे ना तो यहाँ पर जो नॉइस है वो रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग करना है, आपको वीडियो में पॉज नहीं करना है, आपको वीडियो को आपको छोटी छोटी क्लिक में रिकॉर्ड नहीं करना है। और आपके पास भी दोस्तों वीवो का स्मार्टफोन है तो ये तरीका आपके फ़ोन में ज़रूर काम करेगा, अगर आपका फ़ोन दोस्तों ज़्यादा पुराना नहीं है। और दोस्तों अगर आपका फ़ोन दोस्तों 10,000 रुपये के अंदर का भी फ़ोन नहीं है, तो मतलब आपका फ़ोन मिड रेंजर फ़ोन है, तो आपके फ़ोन में ये तरीका ज़रूर काम करेगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि Xiaomi के जो फ़ोन्स होते हैं मतलब रेडमी पोको वगैरह, उसके अंदर में ये तरीका काम नहीं करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ओपन कैमरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर दोस्तों साउंड रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर जाकर आप लोग एक्सटर्नल माइक को सिलेक्ट करके ये इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों शायद वहाँ पर भी आपका नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाए, लेकिन यहाँ पर मैं गारंटीड नहीं बोल रहा हूँ कि उस तरीके को फॉलो करने के बाद आपके मतलब नॉइज़ आपके मतलब वीडियो से नॉइज़ जो है 100% रिमूव हो जाएगा, ऐसा मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ऐसा ट्राई कर सकते हो जिनके फ़ोन में दोस्तों डायरेक्टली कैमरा से मतलब जो माइक है वो सपोर्ट नहीं करता है, या फिर जिनके कैमरा के एप्लीकेशन से नॉइस जो है रिमूव नहीं होता है, वो आप लोग ओपन कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो एक मिनट से ज़्यादा हो चुका है और अभी जो है नॉइस कम्प्लीटली रिमूव हो चुका होगा। और अभी भी मैं इसी माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर मैं इसी माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी आपको यहाँ पर देख सकते हो आवाज़ आ रहा होगा जब मैं इसको यहाँ पर मतलब मार रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो इसी माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, हेडफोन के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। और आपने लाइव प्रूफ भी देख लिया, यहाँ पर जो नॉइस है दोस्तों कंप्लीटली 100% रिमूव हो रहा है। तो आप लोग इस तरीके से अपने मतलब अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, और यहाँ पर आप लोग हेडफोन के माइक से भी नॉइस कैंसिलेशन कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन से दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन होता है तो आप लोग हेडफोन के माइक से भी अपने ईयरफोन के माइक से भी दोस्तों यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इस ईयरफोन को मैंने सिर्फ 120 रुपये में खरीदा था लोकल मार्केट से, ये कोई ब्रांडेड ईयरफोन भी नहीं है, मतलब ये दोस्तों सिर्फ सस्ता ईयरफोन है, इसको मैंने सिर्फ 120 रुपये में दुकान से खरीदा हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों आपने लाइव प्रूफ भी देख लिया, तो इस तरीके से आप भी अपने वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग इस तरीके से नॉइस कैंसिलेशन कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।